अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलमाज मिनी किचन। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन। देखिए कितना डिलीशियस और टेस्टी बना है। आप भी बनाइए बिल्कुल मेरे तरीके से। मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने बताऊंगी, आप उसी तरीके से बनाना। ये बहुत टेस्टी और लजीज बनता है, बिल्कुल होटल स्टाइल है ये। आप लोगों को घर में टेस्ट बिल्कुल होटल वाला ही मिलेगा और इजीली आपको मैं ये सब बताऊंगी और इसमें कुछ ट्रिक भी बताऊंगी। देखिए चिकन कितना टेंडर हो गया है, कितना गल गया है, एकदम सॉफ्ट और जूसी बना है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। हमें यहाँ पर ली हूँ मैंने, ये कोई मेजर करके नहीं ली हूँ मैंने, अपने अंदाज़ से ली हूँ। तंदूरी चिकन मैं कटवा कर मंगाई थी दुकानदार से। देखिए इस तरीके से मैंने 4 पीस मंगाई हूँ, 2 सीने के हैं और 2 लेग पीस हैं। इनको अच्छे से साफ़ करके ले ली हूँ और इसे कट लगाई हूँ मैंने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर मैंने दही को 100 ग्राम दही का पानी निकाल ली हूँ और इसको छन्नी से छान के पूरा पानी ड्रेन कर दी थी। एकदम सूखी दही लेना है, पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं लेंगे। और हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल के पीसी हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये चिकन है ना, मैंने छोटी मुर्गी ली हूँ जो बहुत जल्दी जूसी और टेस्टी बनती है। बड़ी वाली मुर्गी मत लेना, आप लोगों को यही ट्रिक बता रही थी मैं, छोटी मुर्गी लेना। इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालूँगी मैं, क्योंकि इसमें ज़ीरा थोड़ा कम है। इसको भून के पीस के मैं लेती हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से लेना। और 2 चम्मच ये तीखी लाल मिर्च की बुकी है, ये डालूँगी मैं। और इसमें डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला डालूँगी मैं, लेकिन यहाँ पर गरम मसाला भी मेरे इसमें से डब्बे में से ख़त्म हो गया था। और ये कसूरी मेथी मैंने थोड़ा तवे पे रोस्ट करके इसको हाथ से ऐसा मसल के ये डाल दूंगी इसके अंदर। खाली तवे पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसको हाथ से रोस्ट कर लेंगे ना, हाथ से मसल के, तो एकदम कुरकुरी रहती वो। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया की बुकी। और ये है कलर वाली मिर्ची की बुकी, ये भी ख़त्म हो गई थी। ये भी हमें 2 से 3 डालनी है। अभी सारे मसाले मैं और ऐड करूंगी, क्योंकि डब्बे में मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे। और ये फूड कलर थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि हमने कलर वाली मिर्ची की बुकी लिए है ना, तो फूड कलर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा होटल स्टाइल दिखेगा बोल के मैंने थोड़ा सा कलर ऐड की हूँ। आपको नहीं करना है, आप नहीं कर सकते, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। अब इसमें 1 नींबू का रस मैं हाथों की मदद से बीज को हटाकर इस तरीके से निचोड़ के डाल दूंगी। अब इसमें हम नमक भी ऐड कर लेंगे। मैं मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये चिकन को हम ज़्यादा देर तक के मसालों में फ्रिज में रखेंगे ना, तो उतना ही ये टेस्टी। इसको फ्रिज में 1 दिन के लिए रखेंगे ना, तो ये बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है। लेकिन अगर हमें घाई है और वक्त कम है, तो हम इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। देखिए मैंने काली मिर्च की बुकी 1 चम्मच ली हूँ। 1 चम्मच मतलब पहले मैंने आधा चम्मच डाली थी, अभी आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच है ये चाट मसाला और आधा चम्मच है आमचूर पाउडर। ये सारे मसाले अभी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये मसाला नहीं था मेरे पास। और अभी जीरे की बुकी भी मैंने आधा ही चम्मच डाली थी, फिर मैंने जीरे की बुकी को भुनी हूँ और फिर पीसी हूँ। फिर मैं जीरे की बुकी भी इसमें ऐड करूंगी। पहले आधा चम्मच डाली थी, अभी आधा चम्मच डाल। अब इसके अंदर मैं रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी, ये सिर्फ कलर वाली, जो पहले
अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये है चिकन तंदूरी मसाला, ये मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। इसका मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इन्हेंस होके आता है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के, 1 घंटा हो गया था, अब मैं इसको फ्रिज में से निकाल के इसका फॉइल निकाल लूँगी। और पैन में हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एकदम थोड़ा सा डाली हूँ मैंने ऑयल, सिर्फ हल्का सा हमें इसमें रोस्ट करना है ताकि मसाला इसको पकड़ ले और फिर हम इसको तंदूरी उसे भुनेंगे। मैं जाली ली हूँ, देखो इसे एक एक पीस करके मैं इस तरीके से पैन में डाल रही हूँ और धीमी आंच पर इसे हमें 10 मिनट तक इसी तरीके से रखना है। देखो इसको मैंने पलट ली हूँ, हल्का सुनहरा होने तक के इसे मैं रखी थी, इसको भी पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आया है गोल्डन। अब बाकी का हम इसको पूरी तरीके से जाली पर भूनेंगे। इसको ऊपर से ब्रश से मैं ऑयल ऐसा ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ हल्का हल्का। अब फ्लेम है ना गैस की, स्लो ही है। बस ये हो गया है डन, ये 2 पीस को मैं निकाल लूँगी। इनको हटा लूँगी, इसको थोड़ा भी और रोस्ट करूँगी हल्का सा। और पैन में जितना भी मसाला लगा है ना उसको भी मैं साफ कर लेती हूँ अभी। अब मैंने इनको, ये जाली लाई थी, इस जाली पे मैंने चिकन को इस तरीके से बांध ली हूँ और ऐसे करके मैं भून रही हूँ और हल्का हल्का ऑयल में ऊपर से लगा लगा के इसको आग पे भून रही हूँ। ये बहुत अच्छे से भून गया था। आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कीजिए, अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो आपको मैं दूसरा तरीका भी अभी बताऊंगी। गैस की फ्लेम धीमी रखना और धीमी आंच पर इसे भूनते रहना, अलट पलट करते ही रहना। ध्यान रखना, ध्यान हटाना नहीं वरना चिकन हमारा जल सकता है। अब ये डन हो गया था, मैंने दूसरा भी रख ली हूँ, इसको भी हमें अलट पलट करते हुए भूनना है। इस पे भी हम ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसी तरीके से इसको भी धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। बीस पर ऑयल लगाऊंगी, वो अच्छे से भुना जाएगा। अभी इसको भी मैं निकाल लूँगी। देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास वैसी जाली नहीं है तो आप इस तरीके से आग पर रख के इसे भून सकते हैं। इस तरीके से भी बहुत अच्छे से भुना जाता है। आधा तो हमारा मसाला पैन में ही बन गया, लग गया था, अब ऐसी आंच पर भूनना है। बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है और चिकन तो हमारा ऑलरेडी टेंडर हो ही गया था। देखिए अभी मैं जाली पर बाकी की चिकन इसी तरीके से भूनूंगी। आप इस तरीके से देखेंगे ना मसाला और ऐसे भून कर, ये बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हमने होटल से लाया है, घर में ये पकाई नहीं है, से लगेगा टेस्ट इसका बिल्कुल होटल की तरह लगेगा। और आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप लोग की रेसिपी बनाते हो, ट्राई करते हो तो वो भी मुझे बताइए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है वो बताइए। देखिए इस तरीके से मैं आपको एकदम शॉर्टकट में आप लोगों को ट्रिक के साथ बताती हूँ कि हमें किस तरीके से कौन सा चिकन लेना है। चिकन ना हमेशा हमें छोटा ही चिकन लेना चाहिए, छोटे चिकन से ना टेस्ट भी अच्छा रहता है और वो चिकन जल्दी गल भी जाता है। बाकी बड़ी वाली मुर्गी जो लेते हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी ये छोटी मुर्गियाँ होती हैं।
अभी मेरी सारी चिकन भूनकर रेडी हो गई है। अभी मैं आपको इसको प्लेटिंग करके सर्व करके बताती हूँ कि हमें इसे किस तरीके से सर्व करना है। मैंने इसे नींबू और प्याज और हरे धनिए से गार्निशिंग की हूँ। आप भी इसी तरीके से करना और बहुत टेस्टी और लजीज बनता है। प्लीज़ गाइस, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये तंदूरी चिकन कैसा लगा, और आगे से आगे शेयर भी कीजिए अपने फैमिली को, सबको। अभी आपको मैं ये टेस्ट करके भी बताऊंगी। इसमें मैं नींबू निचोड़ के आपको बता रही हूँ। इसको नींबू निचोड़ के चाट मसाला भी अगर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाएंगे ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके ऊपर चाट मसाला भी आप लगाकर खाइए, और आपको जैसे खाना है वैसे खाइए। देखिए कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है, एकदम चिकन हमारा टेंडर हो गया था, गल गया था एकदम से। इसी तरीके से आप बनाएंगे ना, देखिए कितना टेंडर हो गया है। और आपको दूसरी कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।